नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस गुंटूर कारम मूवी के केवल ऑडियंस रिव्यू और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशनल कोड्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट और तीसरा इस गुंटूर कारम मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपकी लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और इस गुंटूर कारम मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस गुंटूर कारम मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोड्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड्स कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, कि हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, डटकर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, कि एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। दूसरा मोटिवेशनल कोड्स, उठो तो ऐसे उठो फकरो बुलंदी को, उठो तो ऐसे उठो फकरो बुलंदी को, झुको तो झुको ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे, आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे, कि कुछ ऐसा कर जाओ कि जमाना भी मिसाल दे। महेश बाबू की साल 2024 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है। और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवीज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर। द बॉक्स ऑफिस, महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर। गुंटूर कारम रिव्यू, महेश बाबू वन ऑफ द गुड, महेश बाबू इज द मैन, मैन ऑफ द डिलीवरी, ए विनिंग परफॉर्मेंस, ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स। श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल, इट डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। राम्या कृष्णा, प्रकाश राज, देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी, ब्रह्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason is smilery for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made his mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the golden प्रोडक्शन वैल्यू बट द फर्स्ट 90 मिनट्स इज टू मच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर नागावंशी सैड एंड लास्ट 45 मिनट्स इन द सॉल्यूशन एंड सेवियर इन द पुड त्रिविक्रम मस्ट वॉच एंड करेक्टर ऑफ द लाइक रघुवल रविंदर इज द ड्रो स्मालिटी ऑफ द पास्ट फिल्म एंड द फिलिप्ट ऑफ द गुड द स्टोरी वॉज टू प्रेडिटेबल फॉर मस्ट ऑफ द इस मूवी लाइक रन टाइम सीन्स मीनिंग लेस पार्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द फिल्म डिड नॉट गेट the storyline much and Venula Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actually was good the fight in the first half was presentation well but the role was no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best is looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सीज ओ नेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट पाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मैक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful Venuela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhavala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रेबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल इट डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन, बाबजी ब्रह्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू, त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason is smilery for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and drama krishna did experiment well useful prakash raj bought some weight into the film murali sharma performance was good rao ramesh climax scenes was terrific jayaram was good jaganpanthi babu is under and the sunil scenes very limited but is made his mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the golden production value but the first 90 minutes is too much structure producer naga vamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the pud trivikram must watch and kit character of the like raghuval ravinder is the draw smileity of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the is movie like run time scenes meaningless part of placement of the film did not get the स्टोरी लाइन मच एंड वेनुला किशोर एंड दे मैड जगनपंथी बाबू ए जोक इज एट्री वाज गुड द फाइट इन द फर्स्ट हाल्फ वाज प्रेजेंटेशन वेल बट द रोल वाज नो मीनिंगफुल प्रपोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन देर वाज नो स्ट्रॉन्ग अग्नोस्ट इन द मूवी देर इट सेल्फ मूवी पैल्ट ऑफ द इवन थॉट प्रकाश राज गिविन इज द बेस्ट इज लुक्स एक्टिंग प्रोग्रेस ऑज द गुड द स्क्रीन प्ले कुल्ड एट द रेस इंस्टेंट ऑफ द pending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सीज ओ नेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमोराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी एंड गुड एंड विदाउट मच कन्फ्यूजिंग डायलॉग ऑफ द शॉर्ट कैच एवरी वन एज गुड थिंक महेश बाबू एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग डांस जस्ट स्क्रीन प्रेजेंस श्रीलीला डांस एंड कैजुअल रोल रामा कृष्णा लुक्स यंगर दैन प्रीवियस मूवी एंड एक्टिंग इज गुड एज यूजफुल वेनुला किशोर एक्सप्रेशन डोंट गो अनटोल्ड प्रकाश राज गुड एज एन कनिंग पॉलिटिशियन एंड फादर बीजीएम बैट्स आर गुड थॉट इज स्टाइल एज बीन रन टाइम इन दिस मूवी नाउ ए डैज कॉमेडी इज नाइस टिल द मूवी एंड्स नो बोरिंग मूवमेंट डेफिनेटली नॉट ए स्लो मूवी ड्यूल ऑडियंस एंड गुड थिंग मे बी मीनाक्षी इज रोल कुल्ड हैव बीन मेड ए इल मोर एनर्गेटिक एडिंग सम ऑफ बाबा मेडवला केमिस्ट्री एंड गुंटूर कारम फ्यूचरिंग महेश बाबू इज एन थ्रिलिंग सिनेमाटिक एक्सपीरियंस दैट सीमलेस ब्लेंड्स एक्शन ड्रामा एंड इमोशनल महेश बाबू कमांड स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनिस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द character of depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी, ब्रह्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मोमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट एलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good and bad reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti taught a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh climax scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made his mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of like Raghuval Ravinder is the draw smiley of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the this movie like runtime scenes meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venula Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actually was good the part in the first half was presentation well but the role has no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best his looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this stare and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑन नेक्स्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुगल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful Venuela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhavala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनिस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotion साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था। जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी, ब्रह्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good and bad reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made his mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Naga Vamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of like Raghuval Ravinder is the draw smiley of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the this movie like run time scenes meaningless part of placement of the film did not get the स्टोरी लाइन मच एंड वेनुला किशोर एंड दे मैड जगनपंथी बाबू ए जोक इज एट्री वाज गुड द पार्ट इन द फर्स्ट हाल्फ वाज प्रेजेंटेशन वेल बट द रोल वाज नो मीनिंगफुल परपोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन देर वाज नो स्ट्रॉन्ग अग्नोस्ट इन द मूवी देर इट सेल्फ मूवी पैल्ट ऑफ द इवन थॉट प्रकाश राज गिविन इज द बेस्ट इज लुक्स एक्टिंग प्रोग्रेस ऑज द गुड द स्क्रीन प्ले कुल्ड एट द रेस इंस्टेंट ऑफ द ending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑन नेक्स्ट एंड गुड इन स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुगल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी एंड गुड एंड विदाउट मच कन्फ्यूजिंग डायलॉग ऑफ द शॉर्ट कैच एवरी वन एज गुड थिंक महेश बाबू एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग डांस जस्ट स्क्रीन प्रेजेंस श्रीलीला डांस एंड कैजुअल रोल रामा कृष्णा लुक्स यंगर दैन प्रीवियस मूवी एंड एक्टिंग इज गुड एज यूजफुल वेनुला किशोर एक्सप्रेशन डोंट गो अनटोल्ड प्रकाश राज गुड एज एन कनिंग पॉलिटिशियन एंड फादर बीजीएम बैट्स आर गुड थॉट इज स्टाइल एज बीन रन टाइम इन दिस मूवी नाउ ए डैज कॉमेडी इज नाइस टिल द मूवी एंड्स नो बोरिंग मूवमेंट डेफिनेटली नॉट ए स्लो मूवी ड्यूल ऑडियंस एंड गुड थिंग मे बी मीनाक्षी इज रोल कुल्ड हैव बीन मेड ए इल मोर एनर्गेटिक एडिंग सम ऑफ बाबा मेडवला केमिस्ट्री एंड गुंटूर कारम फ्यूचरिंग महेश बाबू इज एन थ्रिलिंग सिनेमाटिक एक्सपीरियंस दैट सीमलेस ब्लेंड्स एक्शन ड्रामा एंड इमोशनल महेश बाबू कमांड स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनिस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द character of depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था। जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है। और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्रीलीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल एयर डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव राव रमेश मुरली शर्मा जयराम सुनील महेश मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी ब्रह्मा जी अजय घोष वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विद ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अलोंग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh climax scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the golden प्रोडक्शन वैल्यू बट द फर्स्ट 90 मिनट्स इज टू मच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर नागावंशी सैड एंड लास्ट 45 मिनट्स इन द सॉल्यूशन एंड सेवियर इन द फूड त्रिविक्रम मस्ट वॉच एंड करेक्टर ऑफ द लाइक रघुवल रविंदर इज द ड्रो स्मालिटी ऑफ द पास्ट फिल्म एंड द फिलिप्ट ऑफ द गुड द स्टोरी वॉज टू प्रेडिटेबल फॉर मस्ट ऑफ द इस मूवी लाइक रन टाइम सीन्स मीनिंग लेस पार्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द फिल्म डिड नॉट गेट द स्टोरी लाइन मच एंड वेनुला किशोर एंड दे मैट जगनपंथी बाबू ए जोक इज एट्री वाज गुड द फाइट इन द फर्स्ट हाल्फ वाज प्रेजेंटेशन वेल बट द रोल वाज नो मीनिंगफुल प्रपोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन देर वाज नो स्ट्रोंग अग्नोस्ट इन द मूवी देर इट सेल्फ मूवी फेल्ट ऑफ द इवन थॉट प्रकाश राज गिविन इज द बेस्ट इज लुक्स एक्टिंग प्रोग्रेस ऑज द गुड द स्क्रीन प्ले कुल्ड एट द रेस इंस्टेंट ऑफ द depending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normals movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वंशी इज ऑनेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ मेस एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी एंड गुड एंड विदाउट मच कन्फ्यूजिंग डायलॉग ऑफ द शॉर्ट कैच एवरी वन एज गुड थिंक महेश बाबू एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग डांस जस्ट स्क्रीन प्रेजेंस श्रीलीला डांस एंड कैजुअल रोल रामा कृष्णा लुक्स यंगर दैन प्रीवियस मूवी एंड एक्टिंग इज गुड एज यूजफुल वेनुला किशोर एक्सप्रेशन डोंट गो अनटोस प्रकाश राज गुड एज एन कनिंग पॉलिटिशियन एंड फादर बीजीएम बैट्स आर गुड थॉट इज स्टाइल एज बीन रन टाइम इन दिस मूवी नाउ ए डैज कॉमेडी इज नाइस टिल द मूवी एंड्स नो बोरिंग मूवमेंट डेफिनेटली नॉट ए स्लो मूवी ड्यूल ऑडियंस एंड गुड थिंग मे बी मीनाक्षी इज रोल कुल्ड हैव बीन मेड ए इल मोर एनर्गेटिक एडिंग सम ऑफ बाबा मेडवला केमिस्ट्री एंड गुंटूर कारम फ्यूचरिंग महेश बाबू इज एन थ्रिलिंग सिनेमाटिक एक्सपीरियंस दैट सीमलेस ब्लेंड्स एक्शन ड्रामा एंड इमोशनल महेश बाबू कमा स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनिस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द character of depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हां, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्रीलीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल इट डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन, बाबजी ब्रह्माजी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू, त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग एंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रिफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंक about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti taught a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as ऐश्वर्या राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and kit character of like Raghuval Ravinder is the draw similarity of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the this movie like run time since meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venula Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actor was good the fight in the first half was presentation well but the role was no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best is looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सीज ओ नेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट पाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful when Vela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhwala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है। और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन, बाबजी वर्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग एंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 degree शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मूवमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh climax scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good प्रोडक्शन वैल्यू बट द फर्स्ट 90 minutes इज टू मच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर नागावंशी सैड एंड लास्ट 45 minutes इन द सोल्यूशन एंड सेवियर इन द फूड त्रिविक्रम मस्ट वॉच एंड करैक्टर ऑफ द लाइक रघुवल रविंदर इज द ड्रो स्मालिटी ऑफ द पास्ट फिल्म एंड द फिलिप्ट ऑफ द गुड द स्टोरी वॉज टू प्रेडिटेबल फॉर मस्ट ऑफ द इस मूवी लाइक रन टाइम सीन्स मीनिंग लेस पार्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द फिल्म डिड नॉट गेट द स्टोरी लाइन मच एंड वेनुला किशोर एंड दे मैड जगनपंथी बाबू ए जोक इज एट्री वाज गुड द फाइट इन द फर्स्ट हाल्फ वाज प्रेजेंटेशन वेल बट द रोल वाज नो मीनिंगफुल प्रपोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन देर वाज नो स्ट्रॉन्ग अग्नोस्ट इन द मूवी देर इट सेल्फ मूवी पैल्ट ऑफ द इवन थॉट प्रकाश राज गिविन इज द बेस्ट इज लुक्स एक्टिंग प्रोग्रेस ऑज द गुड द स्क्रीन प्ले कुल्ड एट द रेस इंस्टेंट ऑफ द depending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ मेस एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful when Vela Kishore expression don't go untouched Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought His style has been runtime in this movie. Now a dash comedy is nice till the movie ends. No boring movement. Definitely not a slow movie. Dual audience and good thing. Maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic. Adding some of Bhava Madhavala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action, drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scene साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म, जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है। और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन, बाबजी वर्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अलोंग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 degree शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मूवमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good and bad reason smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh climax scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of the like Raghuval Ravinder is the draw smiley of the past film and the flipped of the good the story was too predictable for must of the this movie like run time since meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venuela Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actually was good the part in the first half was presentation well but the role has no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best his looks acting progress was the good the screenplay could add the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normals movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुगल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमोराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी एंड गुड एंड विदाउट मच कंफ्यूजिंग डायलॉग ऑफ द शॉर्ट कैच एवरीवन एज गुड थिंक महेश बाबू एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग डांस जस्ट स्क्रीन प्रेजेंस श्रीलीला डांस एंड कैजुअल रोल रामा कृष्णा लुक्स यंगर देन प्रीवियस मूवी एंड एक्टिंग इज गुड एज यूजफुल वेनुला किशोर एक्सप्रेशन डोंट गो अनटोस प्रकाश राज गुड एज एन कनिंग पॉलिटिशियन एंड फादर बीजीएम बैट्स आर गुड थॉट इज स्टाइल एज बीन रन टाइम इन दिस मूवी नाउ ए डैज कॉमेडी इज नाइस टिल द मूवी एंड्स नो बोरिंग मूवमेंट डेफिनेटली नॉट ए स्लो मूवी ड्यूल ऑडियंस एंड गुड थिंग मे बी मीनाक्षी इज रोल कुड हैव बीन मेड ए इल मोर एनर्गेटिक एडिंग सम ऑफ बाबा मेडवला केमिस्ट्री एंड गुंटूर कारम फ्यूचरिंग महेश बाबू इज एन थ्रिलिंग सिनेमाटिक एक्सपीरियंस दैट सीमलेस ब्लेंड्स एक्शन ड्रामा एंड इमोशनल महेश बाबू कमांड स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनिस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द character of depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था। जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी, जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज़ सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज़ द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्रीलीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल। ऐश्वर्या राव राव रमेश मुरली शर्मा जयराम सुनील महेश मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी ब्रह्मा जी अजय घोष वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग एंड वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 degree शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मूवमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्रीलीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good and red reason smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix's scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is mad is Mark S. ऐश्वर्या राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of the like Raghuval Ravinder is the draw similarity of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the is movie like runtime scenes meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venula Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actor was good the part in the first half was presentation well but the role has no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best his looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इटसेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट पाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful Venuela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhavala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रेबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल इट डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी, ब्रह्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्रीलीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good and red reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti taught a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh climax scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made his mark as ऐश्वर्या राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of like Raghuval Ravinder is the draw smiley of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the movie like runtime scenes meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venula Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actor was good the fight in the first half was presentation well but the role has no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best his looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film vented this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुगल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट पाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मैक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful Venuela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhavala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रेबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफी ज्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है। और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल इट डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल, ऐश्वर्या राव, राव रमेश, मुरली शर्मा, जयराम, सुनील, महेश, मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स, स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी, ब्रह्मा जी, अजय घोष, वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी, टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग एंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंक about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as ऐश्वर्या राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर ड्यूपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of like Raghuval Ravinder is the draw smiley of the past film and the flip of the good the story was too predictable for must of the this movie like run time since meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venuela Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actor was good the part in the first half was presentation well but the role was no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best is looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सीज ओ नेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमोराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Ramakrishna looks younger than previous movie and acting is good as useful when Vela Kishore expression don't go untouched Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhavala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है। और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज़ सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर। द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज़ द वन मैन शो फॉर एवर। गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड। महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस। ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम। श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
पार्ट्स रियली वेल। ऐश्वर्या राव राव रमेश मुरली शर्मा जयराम सुनील महेश मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी वर्मा जी अजय घोष वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अलोंग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 degree शॉट्स दैट एलिवेटेड द मास मूवमेंट इन द फिल्म द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंग about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good and bad reason smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti thought a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh climax scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made his mark as राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the good production value but the first 90 minutes is too much structure producer Nagavamsi said and last 45 minutes in the solution and savior in the food Trivikram must watch and character of the like Raghuval Ravinder is the draw smiley of the past film and the flipped of the good the story was too predictable for must of the is movie like run time since meaningless part of placement of the film did not get the storyline much and Venuela Kishore and they met Jaganpanthi Babu a joke is actor was good the fight in the first half was presentation well but the role has no meaningful purpose is not properly utilization there was no strong agonist in the movie there itself movie felt of the even thought Prakash Raj given is the best his looks acting progress was the good the screenplay could have the rest instant of the depend mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ महेश एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट पाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी एंड गुड एंड विदाउट मच कंफ्यूजिंग डायलॉग ऑफ द शॉर्ट कैच एवरीवन एज गुड थिंक महेश बाबू एक्टिंग डायलॉग डिलीवरी टाइमिंग डांस जस्ट स्क्रीन प्रेजेंस श्रीलीला डांस एंड कैजुअल रोल रामा कृष्णा लुक्स यंगर देन प्रीवियस मूवी एंड एक्टिंग इज गुड एज यूजफुल वेनुला किशोर एक्सप्रेशन डोंट गो अनटोस प्रकाश राज गुड एज एन कनिंग पॉलिटिशियन एंड फादर बीजीएम बैट्स आर गुड थॉट इज स्टाइल एज बीन रन टाइम इन दिस मूवी नाउ ए डैज कॉमेडी इज नाइस टिल द मूवी एंड्स नो बोरिंग मूवमेंट डेफिनेटली नॉट ए स्लो मूवी ड्यूल ऑडियंस एंड गुड थिंग मे बी मीनाक्षी इज रोल कुल्ड हैव बीन मेड ए इल मोर एनर्गेटिक एडिंग सम ऑफ बाबा मेडवला केमिस्ट्री एंड गुंटूर कारम फ्यूचरिंग महेश बाबू इज एन थ्रिलिंग सिनेमाटिक एक्सपीरियंस दैट सीमलेस ब्लेंड्स एक्शन ड्रामा एंड इमोशनल महेश बाबू कमांड स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनिस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द character of depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्रीलीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल इट डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
देयर पार्ट्स रियली वेल। ऐश्वर्या राव राव रमेश मुरली शर्मा जयराम सुनील महेश मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स। स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी ब्रह्माजी अजय घोष वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू। त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस। द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर ऑल्सो डिसेंट। मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म। द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस। महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंक about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good Android reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti taught a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as ऐश्वर्या राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the golden प्रोडक्शन वैल्यू बट द फर्स्ट 90 मिनट्स इज टू मच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर नागावंशी सैड एंड लास्ट 45 मिनट्स इन द सॉल्यूशन एंड सेवियर इन द फूड त्रिविक्रम मस्ट वॉच एंड करेक्टर ऑफ द लाइक रघुवल रविंदर इज द ड्रो स्मालिटी ऑफ द पास्ट फिल्म एंड द फिलिप्ट ऑफ द गुड द स्टोरी वॉज टू प्रेडिटेबल फॉर मस्ट ऑफ द इस मूवी लाइक रन टाइम सीन्स मीनिंग लेस पार्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द फिल्म डिड नॉट गेट द स्टोरी लाइन मच एंड वेनुला किशोर एंड दे मैड जगनपंथी बाबू ए जोक इज एट्री वाज गुड द पार्ट इन द फर्स्ट हाल्फ वाज प्रेजेंटेशन वेल बट द रोल वाज नो मीनिंगफुल प्रपोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन देर वाज नो स्ट्रोंग अग्नोस्ट इन द मूवी देर इट सेल्फ मूवी पैल्ट ऑफ द इवन थॉट प्रकाश राज गिविन इज द बेस्ट इज लुक्स एक्टिंग प्रोग्रेस ऑज द गुड द स्क्रीन प्ले कुल्ड एट द रेस इंस्टेंट ऑफ द depending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normal movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ मेस एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमोराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful when Vela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring moment definitely not a slow movie dull audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhwala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes साल 2024 में रिलीज हुई गुंटूर कारम मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी महेश बाबू के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को भारत के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था गुंटूर कारम मूवी था, जो साल 2024 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और ड्रामा की कैटेगरी की फिल्म जो कि गुंटूर कारम मूवी जो कि साल 2024 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटे 42 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 2 घंटे 42 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2024 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 83% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 8.1 है और इस गुंटूर कारम मूवी की रिलीज डेट 12 जनवरी 2024 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अब बात करते हैं गुंटूर कारम मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। गुंटूर कारम आई लव महेश अन्ना मूवी इज सुपर डुपर हिट मूवी एंड ब्लॉकबस्टर द बॉक्स ऑफिस महेश अन्ना इज द वन मैन शो फॉर एवर गुंटूर कारम रिव्यू महेश बाबू वन ऑफ द गुड महेश बाबू इज द मैन मैन ऑफ द डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही वेज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल ब्लॉक्स एनर्गेटिक सिक्वेंसी एंड मास मेमोराइजिंग दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एनर्गेटिक परफॉर्मेंस इन रिसेंट टाइम्स श्री लीला इज जीनियस एंड डज हार्ट पार्ट वेल ए डांसेज एंड फिस्ट टू वॉच ऑन द बिग स्क्रीन राम्या कृष्णा प्रकाश राज देर
देयर पार्ट्स रियली वेल। ऐश्वर्या राव राव रमेश मुरली शर्मा जयराम सुनील महेश मीनाक्षी एक्ट वेल एज द सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स। स्पेशल मेंशन अजय एज गीतालीन बाबजी ब्रह्मा जी अजय घोष वेनुला किशोर डिड रियली वेल फॉर जेनरेटिक कॉमेडी टेक्निकल वैल्यू। त्रिविक्रम श्रीनिवास एंड महेश बाबू जॉइनिंग हैंड्स वंस अगेन विथ ए फैमिली एंटरटेनर लाइक दिस इज ए ट्रीट फॉर फैंस विथ द सुपर स्टार क्रेविंग आउट वेरी मास मूवमेंट्स एंड डांस सीन्स विथ फुल एंड फ्लेयर एंड वाइब्रेंस। द इंट्रो सिक्वेंसी ऑफ द फिल्म इट सेल्फ शो केसिंग ए रोग महेश विजिटल वर्थ ए विच मैक द फ्लोइंग डांस नंबर फॉर द सॉन्ग दम मसाला ऑल द मोर फन टू वॉच थमन एज सॉन्ग्स आर गुड द एंड बैकग्राउंड स्कोर आल्सो डिसेंट। मनोज प्रभास मैस्मा एज डन ए वंस आइकोनिक स्टाइल ऑफ येलो इस लाइटिंग इन द फ्रेम अलोंग अ लॉन्ग टाइम अराइवल डन ए शॉट एंड 360 डिग्री शॉट्स दैट इलिवेटेड द मास मोमेंट इन द फिल्म। द प्रोड्यूसर सब 10 इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ए यूजफुल रीच अप्रोचमेंट द फिल्म महेश बाबू ट्रैफिक सीन स्क्रीन प्रेजेंस एंड सॉलिड परफॉर्मेंस इमोशनल सीन्स बिटवीन महेश बाबू एंड राम्या कृष्णा महेश बाबू श्री लीला डांस एंड एंटरटेनमेंट सॉन्ग्स एंड बीजीएम ओवरऑल मास गंटूर कारम रियू महेश बाबू वन मैन शो परफॉर्मेंस। महेश बाबू इज द मैन ऑफ द गुड डिलीवरी ए विनिंग परफॉर्मेंस ही विज डिलीवरी ए राउंडेड परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्शन सिक्वेंसी इमोशनल एंड गुड थिंक about I have every scene and good energetic sequence management I have every scene and good performance Mahesh Babu I have Guntur Karam and this the movie and emotional and for Karana death of the good android reason is smiley for Guntur Karam performance to the movie had perfect reception for Sanskriti taught a formulaic one of the connect with family audience with Trivikram mark dialogue with clean fun element pun of the eternal factor made it looks little and provide of the downfall is the consideration whole movie it was good it had a great mother sentiment and Rama Krishna did experiment well useful Prakash Raj bought some weight into the film Murali Sharma performance was good Rao Ramesh Kilmix scenes was terrific Jairam was good Jaganpanthi Babu is under and the Sunil scenes very limited but is made is mark as ऐश्वर्या राव वाज जस्ट आउटस्टैंडिंग वेनुला किशोर अजय घोष एड सम लॉन्च लीला वाज ए बॉम सेल इज द मूवी एर डांस मूवी ग्रेस एंट्री गुडनेस फ्रेश लुक ब्यूटी वाज मैचलेस इज परफॉर्मेड वेल इज रोल नथिंग स्पेशल इन द एक्सपेक्टेड बीइंग लैम डन ऑफ द मीनाक्षी इज लुक्ड स्टैंडिंग एंड महेश लुक्ड सुपर डुपर इट गुड थिंक अबाउट वेरी प्रेजेंट ब्यूटीफुल स्टाइलिंग कस्ट्यूम एवरीथिंग वाज नेक्स्ट लेवल लास्ट 90 minutes is expression dialogue very next level is performance both tears in the my eyes but the time reach of 90 minutes people could have escaped the theater without witness is magic performance towards the end the movie is the golden प्रोडक्शन वैल्यू बट द फर्स्ट 90 minutes इज टू मच स्ट्रक्चर प्रोड्यूसर नागावंशी सैड एंड लास्ट 45 minutes इन द सोल्यूशन एंड सेवियर इन द फूड त्रिविक्रम मस्ट वॉच एंड करैक्टर ऑफ द लाइक रघुवल रविंदर इज द ड्रो स्माइलिटी ऑफ द पास्ट फिल्म एंड द फिलिप्ट ऑफ द गुड द स्टोरी वॉज टू प्रेडिटेबल फॉर मस्ट ऑफ द इस मूवी लाइक रन टाइम सीन्स मीनिंग लेस पार्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द फिल्म डिड नॉट गेट द स्टोरी लाइन मच एंड वेनुला किशोर एंड दे मैट जगनपंथी बाबू ए जोक इज एट्री वाज गुड द पार्ट इन द फर्स्ट हाल्फ वाज प्रेजेंटेशन वेल बट द रोल वाज नो मीनिंगफुल प्रपोज इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजेशन देर वाज नो स्ट्रोंग अग्नोस्ट इन द मूवी देर इट सेल्फ मूवी फेल्ट ऑफ द इवन थॉट प्रकाश राज गिविन इज द बेस्ट इज लुक्स एक्टिंग प्रोग्रेस ऑज द गुड द स्क्रीन प्ले कुल्ड है द रेस इंस्टेंट ऑफ द depending mostly one of Mahesh comedy scenes they could have focused on other things few reason for failure the main reason in the sampatam very great for the anuman and kind of injustice thing attachment to expected Mahesh fans other anti fans and normals movie scores add a huge negative towards the film most of the film wanted this movie pal I don't know why this star and the makers and their attitude that
दैट प्रोवाइड ऑफ द डाउनफॉल इवन बिफोर द रिलीज इट सेल्फ लाइक दैट ऑफ द पोर्टेबल जर्नलिस्ट मूवी प्रोमोशन एंड वेरिंग प्रोड्यूसर एंड वम्सी इज ऑनेस्ट एंड गुड स्ट्रेंड फॉरवर्ड मैन ऑफ मेस एक्टिंग समथिंग एंड रिकमांडेड ऑफ द वंडरफुल एंटरटेनमेंट एंड फेस्टिव एंजो ए लाइट हार्ट ऑफ कॉमेडी जुअल एंटरटेनिंग लुक्स लो इम्पैक्ट फाइट स्टाइलिश महेश बाबू लुक्स ऑल द मोर चार्मिंग इट जस्ट मेमोराइजिंग टू सी मेक ओवर इफेक्ट एंड द एक्टिंग एंड डांस ऑन द स्क्रीन नो वॉयलेंस नो ब्लड नो कंफर्टेबल सीन जस्ट प्योर एंटरटेनर टू वॉच ऑफ द फैमिली इज द स्टोरी and good and without much confusing dialogue of the sort catch everyone as good think Mahesh Babu acting dialogue delivery timing dance just screen presence Sri Leela dance and casual role Rama Krishna looks younger than previous movie and acting is good as useful when Vela Kishore expression don't go untold Prakash Raj good as an cunning politician and father BGM bats are good thought is style has been run time in this movie now a dash comedy is nice till the movie ends no boring movement definitely not a slow movie dual audience and good thing maybe Meenakshi's role could have been made a ill more energetic adding some of Bhava Madhwala chemistry and Guntur Karam featuring Mahesh Babu is an thrilling cinematic experience that seamless blends action drama and emotional Mahesh Babu commanding स्क्रीन एंड इम्प्रिबेटेल द नरेटिव सेट अगनेस्ट द बैकड्रॉप कीपिंग द ऑडियंस ईडीजी द डायरेक्टर विजन इज द गुड अटेंशन ऑफ डिटेल फॉर स्टेनिंग सिनेमाटोग्राफी वेल क्राफ्ट एंड द सिक्वेंसी महेश बाबू पोर्टेबल द प्रोटोगोनेस्ट बोथ एंड इंटेंसिटी शोकेस एंड गुड द स्क्रीन प्ले स्किलफुल क्राफ्ट ऑफरिंग ए परफेक्ट बैलेंस बिटवीन थ्रिलियर मूवमेंट एंड पोगमेंट सीन्स द डायलॉग आर सरप एंड मेमोरेबल एडिंग टू द करैक्टर ऑफ depth to the character and the enhancing the storyline the film soundtrack complements the narrative enhancing of the emotional impact for the key scenes